करनाल के समीप गांव झिंझाड़ी में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई, जिसके चलते कई लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल ने पहुंचकर स्थिति को काबू किया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव में दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ पहुंची, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल थी। मौके पर आकर स्थिति को काबू किया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, जिनका कई बार आपस में झगड़ा हो जाता है। पुलिस द्वारा कई बार झगड़े को निपटाने आपसी सहमति से करवाया जाता है। कई बार इनके चालान भी काटे गए हैं, परंतु बार बार झगड़े की नौबत आने से पुलिस वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर कार्यवाही की जाएगी। जिस भी पक्ष को दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लॉकडाउन के दौरान इस माहौल में घरों में रह रहे लोगों में लड़ाई झगड़ा होना बेहद चिंतनीय है। फिलहाल पूरे मामले को काबू कर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। अनपढ़ तबका है, मजदूरी का ये काम करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये ज़्यादा बात बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर अभी सूचना मिलने पर जब हम पहुँचे हैं तो ये एक सभी बोल रहे हैं, ना कोई बता पा रहा, ना किसी का हमें समझ आ रही है। तो इनको हम दो तीन चार बंदों को थाने में ले जाके जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट देते हैं। इनका कहना यही है कि इनके साथ जो वाल्मीकि बस्ती है, इनके उन्होंने इनके साथ मारपीट की है, और उस पार्टी का कहना है कि इन्होंने उनके साथ की है। तो अभी हम दोनों की कंप्लेंट लेके वेरीफाई करके जो भी होगा वो कार्रवाई कर देते हैं। तो पहले भी कई बार ये छोटी छोटी बातों पे इनके होते रहते हैं, निपटा दिए जाते हैं। तो समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। समाधान इनका पंचायत में बहुत बार करवाया जाता है, चालान भी किए जाते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन किए जाते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।